हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप भी बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखते हैं हम सहपाठी। क्या? सहपाठी। सहपाठी कैसे लेंगे? सह कैसे बनाएंगे बेटा? सीधी लाइन लेंगे, आधे से ज़्यादा कर्व बनाएंगे, छोड़ देंगे कर्व, सीधी लाइन, अ छोटा सा, वापस जाएंगे, सीधी लाइन, आधे से ज़्यादा बेटा, पा, ठ, तो क्या लिखा बेटा हमने? सहपाठी। ठीक है, तो आगे हम लिख रहे हैं बेटा, आगे हम लिखते हैं अभियान। क्या? अभियान, अ वापस जाएंगे, कर लेंगे बेटा सीधी लाइन, बा भालू वाला। ये जो मात्रा आती है बेटा, अगले यहाँ लाइन तक ही आती है मात्रा, अभी यान। ठीक है बेटा, छोड़ देंगे, सीधी लाइन ऊपर से लेंगे। बेटा ध्यान से देखा करो मैम के काम करते हुए, क्योंकि आपको वैसा ही लिखना है ना। और कोशिश करो क्या बेटा कि पूरी सुंदर राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए। अब आपने यहाँ पे दो लाइनें छोड़ देनी है और आपने ऐसा ही लिखना है सहपाठी, और यहाँ पे लिखना है अभियान। बेटा आगे हम लिख रहे हैं मात्रा एक ही, यानी कि मात्रा एक ही शब्द बनाने हैं। अब आपने ध्यान से देखना है कि एक ही आवाज़ किस शब्द के साथ आ रही है, आपने वही शब्द लिखना है। मैंने आपको बोला बेटा बसेरा। क्या बोला? बसेरा। अब एक ही आवाज़ किसके साथ आ रही है? हाँ हाँ बोलो बेटा, शाबाश, बोलो बोलो, वेरी गुड, स के साथ। ठीक है, यानी कि स के ऊपर मात्रा आएगी। तो हम लिख रहे हैं ब, सीधी लाइन बेटा, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म करेंगे बेटा। स, स के ऊपर किसकी मात्रा बेटा? एक ही। र, आ, तो क्या आया लिखा बेटा हमने? बसेरा। ठीक है, आगे हम लिख रहे हैं बेटा शेरनी। किसके साथ एक ही आवाज़ आ रही है? मैंने बोला, ध्यान से सुनो कि मैम की आवाज़ ध्यान से सुनिए, शाबाश। मैम ने बोला शेरनी, श, शे, यानी कि श के ऊपर एक ही आवाज़ आ रही है, तो श के ऊपर हम मात्रा लगाएंगे, श, श के ऊपर एक ही मात्रा, शे। तो मैम ने बोला रनी, यानी कि शेरनी। र ना बेटा, चोंच वाला निकालेंगे बेटा हम, सीधी लाइन। तो हमने क्या लिखा बेटा? शेरनी। अब आपने क्या करना है बेटा, एक एक लाइन छोड़ के आपको ऐसे ही आपको लाइनें बनानी हैं। तो आगे फिर हम लिख रहे हैं बेटा आगे हम बना रहे हैं बेटा जलेबी। क्या बोला मैम ने? जलेबी, ज, नीचे जाएंगे बेटा, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, ल, आधे से ऊपर से शुरू करेंगे, ल, ध्यान से देखो बेटा मैम अपने हाथ को कैसे घुमा रही हैं, कैसे लिख रही हैं, कैसे शब्द बना रही हैं, वैसा ही लिखो आप। जले बी, शाबाश, बड़े की मात्रा, बड़ी ई, जले बी। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं सपेरा। क्या बोला मैम ने? सपेरा। तो किसके साथ आवाज़ आ रही है? सपेरा। हाँ जी, शाबाश, प के साथ, वेरी गुड, स। जब बेटा मात्रा सही बताते हो ना,
तो मुझे ऐसे लगता है कि बेटा आप मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है ना। तो आपको मेरे साथ साथ आपको बोलते हो तो आपको बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, ठीक है। आप ऐसे ही बेटा मैम की बात को ध्यान से सुना करो और आपको मात्रा की पहचान हो जाएगी कि किस शब्द के साथ हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ठीक है ना बेटा। बोल बोल के लिखिए, ध्यान से लिखिए, सुंदर लिखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।